क्या अपना लिंग बदल लेना अच्छा है? क्या लिंग बदल के लेना चाहिए? कभी सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी अवेयरनेस भी आया हुआ है, तो लोग बोलते नहीं हमको हमारा लिंग बदलने का है। तो चलो आइए उसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा अकोला महाराष्ट्र में है, और लोग यहाँ ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं। तो अभी हाल ही एक लड़का है, उसकी उम्र है 23 साल की, और उसको मतलब है मेल, पुरुष है, पुरुष के सब उसको मतलब मूछ है, दाढ़ी है, पुरुष जैसा है, आवाज़ मतलब सभी तरह। और अभी उसके जब शादी की बात माँ बाप ने चालू किया तो वो बोल रहा है कि नहीं, मुझे ना ऐसा लगता है कि मैंने लड़की बनना चाहिए, मैं लड़की रहता तो अच्छा रहता था। अभी जैसा ये माँ बाप ने सुना तो वो तो हैरान हो गए, उनको तो शौक बैठ गया। मतलब उसकी माँ तो बेहोशी हो गई, उसको होश में लाया गया, फिर बाद में हॉस्पिटल लेके गए कि ये क्या बोल कह रहा है। फिर मेरे पास में जब लाया तो बात कर रहा है वो कि भाई मुझे तो 6 साल का जब था उसे तब से याद आ रहा है कि भाई उसको लड़की के कपड़े पहनना अच्छा लगता था, लड़की जैसा बात करना अच्छा लगता था, और लगता था कि भाई लड़की रहे तो अच्छा है। जैसा जैसा वो बढ़ते गया वैसा वो चुपके चुपके अपने माँ के इनरवेयर्स पहनना, सिस्टर के इनरवेयर्स पहनना चुपके, और अपने मन में रखता था कि मैं लड़की जैसा हूँ तो अच्छा है। उसने खुद के फ़ोटो भी मुझे बताए कुछ महीनों पहले कि नाक में नथनी है, फिर कान में रिंग्स है, और साड़ी वगैरह पहन के उसने फ़ोटो अच्छे निकाले। बोलता कि मैं लड़की रहा तो अच्छा रहता था। तो फिर उसने कुछ चुपचाप में कांटेक्ट भी किया लोगों को, बातचीत भी किया, और कहाँ ऑपरेशन हो सकता है ये, क्योंकि उसका कहना था कि मैं बहुत अनइजी हूँ, मैं हूँ पुरुष, मेरे को मालूम है, मतलब बॉडी पुरुष की है, मगर इसमें मैं अनइजी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैंने लड़की ही होना चाहिए, और लड़की रह के होके मैं फिर शादी करूँगा कोई लड़के के साथ में, और वो लड़के को बोल के करूँगा मैं, जो भी लड़का ऐसा तैयार होगा मेरे से शादी करने के लिए तो उसके साथ में शादी करूँगा, और मुझे मालूम है कि मुझे बच्चे होने वाले नहीं है, तो मैं सब बताना पड़ेगा ना मुझे कि भाई मुझे बच्चे होने वाले नहीं है और इस तरह से मैं रहने वाला हूँ। और फिर उसने मुझे जो जो लोगों ने लिंग बदल कर लिया है उनके भी मुझे फ़ोटो बताया, एकदम बोले देखो कितनी स्मार्ट लड़की है, देखो कैसा हो जाता है इनका, और वो पहचाने भी नहीं आती कि ये लड़का था ये लड़की बन गई, तो बोले संभव है बोले, और मैं उसमें खुश हूँ। उसकी माँ बोलती मगर हम नाखुश है, हमको पब्लिक में बताना अच्छा लगता नहीं, सोशल लाइफ है हमारी, हमको समाज में ऐसा बोलना ठीक लगता नहीं, हमको शर्म आती है कि हमारा लड़का लड़के जैसा बनना चाहता है, ऑपरेशन करना चाहता है, तो वो बोले तो हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम तो जिएंगे नहीं, और ये सुसाइड कर लेंगे करके ये भी इसकी घुटन हो रही है कि आगे नहीं बढ़ रहा है ऑपरेशन करने के लिए। तो ऐसे इसमें माँ बाप ने लाया कि भाई इसको ये देखो कैसा ये कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो बाबा बोलने लगे कि भाई इसको तुम चेंज कराओ। मैंने कहा भाई ये इसकी तैयारी है क्या? तो बोले उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, वो तो बोलता कि मुझे तो मैं तो लड़की ही बनूंगा, मुझे तो इसमें रहने नहीं, मतलब फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, ये 23 साल का है, बड़ा है, मेजर है अभी, और वो उसने खुद ने निर्णय लिया, मगर वो बोले बचपना जैसा करता है, बच्चे जैसा करता है, बच्चे जैसी हरकतें करता है, हमको लगता है कि भाई ये अभी इमोशनली ये एडल्ट नहीं है, इमोशनली ये छोटा ही है, और ये जो है इसके मन में घुसा हुआ है कुछ दिन के बाद निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा, हमको ऐसा डर लगता है ये निकल गया और बाद में अब उसके ऊपर मतलब रिग्रेट करने लगा, पश्चाताप करने लगा कि भाई मैंने गलती किया, तो बाद में थोड़ी लड़का बनेगा है। बोले अभी ये हमको लगता है कि ये ऑब्सेशन है, और हमको कुछ डॉक्टर ने बोला है कि ऑब्सेसिव थॉट्स उसको आ रहे करके ये कर रहा है। फिर मैंने ठीक है हम असेसमेंट करते, उसके असेसमेंट किया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किया, असेसमेंट किया, उसको हिप्नोटाइज़ किया, और हिप्नोटाइज़ करके फिर उसको पूछा तो वो तो पक्का ही था। मैंने कहा भाई ये तो पक्का है, उसको लड़की बनने का है, और उसको उसके जीने उसको मतलब उसका जैसा जीवन जीने की इच्छा ऐसा उसको करने दो, वो उसमें खुश है करने दो। बाबा बोले हम तो सुसाइड कर लेंगे। मतलब देखो अभी मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, आपकी मर्जी है, जो करना है आप आपस में बैठो, आपस में सोचो। ये लड़का बोला बोल रहा कि भाई ये मरेंगे, ये तो सुसाइड कर लेंगे दोनों माँ बाप, तो इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अभी ये आपस का है, मगर इसमें एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में कुछ हथियार नहीं जब तक वो तैयार नहीं है कुछ भी। और वो बोलता है कि मुझे तो ये बॉडी में ही मुझे लगता है कि मैं गलत बॉडी में आ गया हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोले आप हिप्नोटाइज करो और उसको चेंज। बोला हिप्नोटाइज करके भी होता नहीं है। बोले कोई दवाई दो। मैंने दवाई से भी होता नहीं।
अभी जियो और जीने दो, आप भी जियो उसको भी जीने दो, और आपको धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करना होगा कि भाई नहीं ये लड़की जैसा बन रहा है तो बनने दो, वही उसमें ही आपका मतलब ठीक ठाक रहना है, उसमें आप जिद मत करो, ऐसा पेरेंट्स को मैंने बताया और फिर उनको रवाना किया। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, बहुत माँ बाप परेशान है इसमें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से तो वो ऐसा हो गया है कि नहीं उनको बनना ही है, और एक बार वो दिमाग में घुस गया कि नहीं मुझे लड़की बनना है, और उल्टा भी है, कुछ लड़कियाँ उनको लड़का बनना है वो भी आते हैं मेरे पास में, और इसमें ही मतलब कि भाई ठीक है उनको सपोर्ट करना, उसमें माँ बाप की अकल है, मतलब अच्छापन है, क्योंकि वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो दोनों सफर करते हैं, दोनों को प्रॉब्लम आता है। वो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।